नमस्कार प्यारे बच्चों, अपनी प्यारी अपने पिछले एक समय जो हमने ठीक है क्या पढ़ाया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग भी हम जो पढ़ चुके हैं। आज जो हम ठीक है पढ़ने वाले हैं, ठीक है नया टॉपिक रहेगा हमारा न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? ठीक, ग्रास ईटिंग एनिमल, जो ग्रास जो खाने वाले एनिमल्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो आज यही जो टॉपिक रहेगा हमारा रूमिनेंट्स के अंदर, ठीक है, कैसे जो है न्यूट्रिशन होता है, कैसे टेक प्लेस करता है। ठीक है, पिछले एक समय पढ़ चुके कि अमीबा के अंदर कैसा होता है न्यूट्रिशन, जो है वो क्या करता है, छोटे छोटे जो है फूड पार्टिकल को जो माइक्रोनिज्म टाइप होते हैं उनको, ठीक है, जो खा लिया जाता है अमीबा के द्वारा। फिर हमने ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ा, आज हम रूमिनेंट्स के अंदर, रूमिनेंट मतलब मीन्स ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। हैव यू सीन ए काउ? क्या कभी आपने एक काउ को देखा है च्यू कंटिन्यूसली, जो कि लगातार क्या कर रही हो, च्यू च्यू मीन्स यहाँ पर जो जुगाली करना या फिर चबाती रहती है। ठीक है, च्यू करना, ठीक है, जुगाली करना या फिर चबाना, ठीक कहलाता है, यहाँ लगातार करती रहती है। और ओवर वंडर्ड, या कभी आपको आश्चर्य हो, वाई इट डज इट सो, ठीक है, वो ऐसा क्यों करती है। ठीक है, या कभी आपने देखा गाय को जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं लगातार जो है अपना मुंह चलाते रहते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जी, घास खाने वाले जानवर लगातार अपना मुंह चलाते रहते, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है भाई इसका जो है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा, एक्चुअली असल में क्या है, रियलिटी के अंदर क्या है, थाउजेंड सम अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स जिन्हें की हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, ये आगे प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी जो आपके कौन से होते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं, कहलाते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, रूमिनेंट कहलाएंगे, लाइक गोट है, डियर है, गोट मीन्स बकरी है, डियर है, ठीक है भाई, ये रहेगा, भैंस, बफेलो, काउ एटसेट्रा। स्वेलो देयर फूड, ये क्या करते हैं, अपने फूड को स्वेलो कर लेते हैं, निगल निगल लेते हैं। ठीक, अभी वो क्या चबा नहीं रहे हैं भाई, खा नहीं रहे, डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, शुरुआत में तो क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं देयर फूड आफ्टर, ठीक है, आफ्टर च्यूइंग। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, च्यूइंग वंस, ठीक है, एक बार चबाने के बाद, ठीक है, जो फूड को क्या कर लेते हैं, पूरा पूरा जो निगल लेते हैं, लेटर फिर बाद में, ठीक है, दे ब्रिंग बैक द स्वेलोड फूड, जो स्वेलोड फूड है, जो निगला हुआ फूड है, उसको जो है दोबारा से माउथ के अंदर लेके आते हैं एंड च्यू इट अगेन, और फिर उसको दोबारा से जो है वहां पर च्यू करते हैं, जुगाली करते हैं वहां पर जो है, इसको दोबारा से चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, असल में क्या होता है, चार चैम्बर के अंदर होता है। ठीक है, चार चैम्बर होते हैं वहां पर जो है, ठीक है, रूमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, वो सबसे पहले जो फूड जाता है र्यूमन के अंदर जाएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो कौन सा पार्ट रहेगा, र्यूमन जो कहलाता है। ठीक है भाई, वंस बेटा कैमरा ऑफ कर लीजिए अपना, ठीक है, वंस कैमरा ऑफ कीजिए। प्लांट ईटिंग एनिमल, अब जो कोई भी प्लांट ईटिंग एनिमल रहेगा, दैट ब्रिंग्स बैक स्वेलोड फूड इन टू द माउथ टू च्यू, कोई भी प्लांट ईटिंग एनिमल है, ठीक है, दोबारा से क्या करता है, जो निगला हुआ फूड है, ठीक है, जो उन्होंने खा लिया है, उसको दोबारा से वो क्या करते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर लेके आते हैं उसको च्यू करने के लिए, जब उसकी आवश्यकता होती है। पढ़ेंगे भाई हम इस चीज को, क्या होता है ये अगेन, एंड इज कॉल्ड ए रूमिनेंट। और ऐसे जो एनिमल है उसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रूमिनेंट। और ये पूरी प्रोसेस जो क्या कहलाती है, रूमिनेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, रूमिनेशन, ये कहलाएगी भाई। ठीक है, अब जो है एक काउ जो होती है, ठीक, लगभग, ठीक है, 40,000 से 60,000 के आसपास जो है जा मूवमेंट करते हैं पर डे, एक दिन के अंदर जो है 40,000 से लेकर 60,000 के आसपास जो है जा मूवमेंट होती है एक दिन के अंदर। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ए काउ टेक्स 70 to 100 आवर्स। देखो यहाँ पर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या ज्यादा टाइम लेती है, यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस इतनी स्लो क्यों है, यहाँ पर ज्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं ग्रास, ठीक है, वो ग्रास ईट करते हैं, और ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज को, ठीक है, एक फॉर्म है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, शांत बेटा अंडू कीजिए। ठीक है, ग्रास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज क्या, एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि डाइजेस्ट होने में, ठीक है, टाइम लगाती है। ठीक है, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट होने में जो क्या रहेगा, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, एज कम्पेयर टू 2 to 20 आवर्स इन ह्यूमन, जबकि ह्यूमन्स के अंदर जो है 2 से, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो है, ठीक है, फूड जो होता है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है। दिस आवर परमिट्स देम टू ऑब्टेन एज मच न्यूट्रिशन एज पॉसिबल फ्रॉम द प्लांट मटेरियल, साथ ही ये हेल्प भी करता है, ठीक है, ये परमिट करता है, अलाउ करता है उनको ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त करने में जितना कि संभव हो उसके, ठीक है, प्लांट मटेरियल से। ठीक है, अब जो हैबिट होती है ना रूमिनेंट की, वापस आते हैं यहाँ पर, जो हैबिट है रूमिनेंट्स की, मेक देयर डाइजेस्ट सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, जो रूमिनेंट का डाइजेस्ट सिस्टम है वो बिल्कुल ही, ठीक है, अलग होता है किससे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन से, ह्यूमन का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, किससे, रूमिनेंट से भी।
देन दस द नीड टू स्टडी देम सेपरेटली, इसलिए उसको जो स्टडी करना ठीक है जो है अलग स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके अंदर भी जो स्टेप रहेंगे, स्टेप तो वही रहेंगे इंडाइजेशन डाइजेशन और जो है मतलब असिमिलेशन एब्जॉर्प्शन और फिर उसके बाद डाइजेशन, जो पांचों स्टेप। लेकिन यहाँ पर जो है ऑर्गन वगैरह ठीक है दूसरे स्टेप से होगा ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस रहेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्लांट ईटिंग एनिमल क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं ठीक है। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा ठीक है फूड को जो है स्वेलोड फूड को दोबारा से वापस लाया जाता है माउथ के अंदर, उसको दोबारा से च्यू करते हैं, वो प्रोसेस कहलाते हैं रूमिनेशन। क्या कहलाते हैं, रूमिनेशन ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा सभी जो है, कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे लास्ट में उनके जो आंसर आपने देने हैं ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस है आपकी इंजेशन, क्या रहेगी इंजेशन, इंजेशन क्या ठीक है। सबसे पहले क्या, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड ठीक है। इंजेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना क्या कहलाता है, फूड को अंदर लेना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जब फूड जो कैसे अंदर लिया जाता है, फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ अ टंग, टंग की सहायता से एंड च्यू, और फिर उसको जब माउथ में थोड़ी देर के लिए क्या जाता है, च्यू किया जाता है, फिर उसके बाद जो स्वेलो को लिया जाएगा और ये जाकर यहाँ पर स्टोर होगा एक र्यूमन नाम का जो ठीक है पार्ट होता है। चार चैम्बर होते हैं इसके अंदर, एक दो ठीक है, फर्स्ट जो है ठीक है र्यूमन रहेगा ठीक है, सेकेंड भी जो आपका ठीक है क्या रहता है रूमिनेंट ठीक है वो देख लेंगे, तीन जो है वो से ठीक है नाम रहता है, और चार जो है ठीक है नाम रहेंगे ठीक है, इनको हम आगे पढ़ने वाले ठीक है डायग्राम के अंदर दे रखे हुए ठीक है। अब रूमिनेंट के पास कहते हैं सात इंसीजर्स होते हैं ठीक है, इंसीजर एक टाइप ऑफ टीथ है एंड लार्ज मोलार्स होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं ठीक है जाड होती है, मोलार्स टीथ होते हैं जो कि बाइट करते हैं और च्यू करते हैं ग्रास को ठीक है, च्यू करने के काम आते हैं। दे आल्सो हैव पावरफुल जॉ मसल्स ठीक है, और उनके जॉ मसल्स भी क्या होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं ठीक है। इवन जो अगर कोई ठीक है पत्थर वगैरह ठीक है जो चले जाते हैं तो उनको भी अगर कर सकते हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर ठीक है, ग्रास के अंदर ही जाते हैं तो ठीक है। तो रूमिनेंट्स डू नॉट हैव कैनिन्स, कैनिन्स नहीं होते भाई, क्यों नहीं होते हैं ठीक है, क्योंकि ये टीयरिंग ठीक है, टीयरिंग के काम आते हैं, चीरने फाड़ने काम आते हैं ठीक है। जबकि ये मांस वगैरह ठीक है तो ऐसे खाते नहीं है ठीक है। जबकि कार्निवोर्स ठीक है, जो कार्निवोर्स होते हैं ठीक है, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं ठीक है, उनके पास जो है ठीक है होते हैं भैया ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल में होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल आपके जो कहलाते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं, वहां पर जो ठीक है रहेंगे कैनिंस। कैनिंस किस काम आते हैं, चीरने फाड़ने काम आते हैं ठीक, कट करने के बाइट करने काम ठीक है, आपके कौन कौन से आएंगे, इंसीजर्स आएंगे और जो है ठीक है मोलार किस काम आएगा, च्यू करने काम आता है ठीक है भाई। तो पावरफुल जॉ मसल्स भी रहेंगे यहाँ पर, इंजेशन हो गया आपका ठीक है, इंजेशन पार्ट जो है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं ठीक है डाइजेशन की, डाइजेशन आफ्टर बींग च्यूड वंस, एक बार च्यू होने के बाद द फूड पासिस डाउन टू द 2 to 3 feet लॉन्ग इजोफेगस ठीक है। एक बार जो है ठीक है माउथ के अंदर जो फूड जो है च्यू हो जाता है तो फूड जो पास होता है कहाँ से, 2 से 3 फीट लंबी जो है इजोफेगस, इजोफेगस क्या यहाँ पर फूड पाइप रहेगा, क्या रहेगा फूड पाइप। द इजोफेगस लीड्स इनटू द स्टमक, अभी इजोफेगस जो फूड पाइप है कहाँ तक जाता है, स्टमक तक जाता है, स्टमक तक जाएगा। द स्टमक ऑफ रूमिनेंट हैज 4 चैम्बर ठीक है, अब बताया मैंने इसको आपको ठीक है, चार चैम्बर होते हैं जो स्टमक होता है रूमिनेंट का, उसमें चार चैम्बर होते हैं डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, जाए रुमेन ठीक है ये फर्स्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा रेटिकुलम ठीक है, रेटिकुलम रहेगा, थर्ड क्या रहेगा ओमेसम रहेगा ठीक है, और फोर्थ क्या रहेगा एबोमेशन रहेगा ठीक है भाई। ये जो यहाँ पर क्या रहेंगे, चार जो चैम्बर रहेंगे स्टमक के अंदर रुमिनेंट के अंदर, प्रत्येक रुमिनेंट के अंदर जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उसके अंदर चार चैम्बर होते हैं। स्टमक के पार्ट की बात कर रहे हैं हम ठीक है, तो सबसे पहले जो फूड जो जाता है कहाँ पर जाता है, माउथ, माउथ में क्या होगा इंजेशन होगा, इंजेशन होने के बाद ठीक है उसको जो है बाइट और च्यू किया जाता है, बाइट और च्यू होने के बाद ठीक है जो फूड जो फूड पाइप के थ्रू वहां पर जाएगा, सबसे पहला जो पार्ट है र्यूमन के अंदर जो जाता है ठीक है वहां पर। अब र्यूमन में फिर वो क्या आता है, खबर क्या रहेगा, ये जो है कड के अंदर ठीक है जो है चेंज होता है ठीक, कड जिसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रहेंगे वहां पर जो उनको जो किल कर लिया जाता है ठीक है, फिर ये कड में जो है चेंजेस होता है। अब छोटे छोटे लम्ब जो है फिर र्यूमन से होते हुए रेटिकुलम में आते हैं, रेटिकुलम में से होता हुआ ठीक है जो फूड जो फिर दोबारा से माउथ में जाता है, च्यू होगा वहां पर, फिर उसके बाद जो है दोबारा से च्यू होने के बाद जब आवश्यकता होगी तो फूड को दोबारा से माउथ में लाया जाएगा, मतलब तो जब वो कुछ भी खा नहीं रहे हैं ठीक है, वो खा नहीं रहे हैं फूड नहीं खा रहे हैं, जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं ठीक है, जब वो खाली बैठे हुए हैं तो आपने देखा वो जुगाली करते रहते हैं, असल में वो क्या करते हैं रेटिकुलम से फूड को बाहर लेके आते हैं और फिर माउथ में आकर के दोबारा से क्या करते हैं वो च्यू करते हैं, और फिर वहां से जो है फूड एक बार फिर से जो है ठीक है डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। डाइजेशन होने के बाद ठीक है फिर से जो वो ठीक है फर्स्ट और सेकंड चैम्बर को जो पास करते बाईपास करते हुए ओमेशम में जाता है ठीक है, फिर उसके बाद जो है एबोमेशम के अंदर जाएगा ठीक है। तो ये देख लेगा ये पार्ट कौन कौन से हैं, आते हैं सबसे पहले र्यूमन, यहाँ पर देखिए र्यूमन, र्यूमन क्या है,
ह्यूमन को फिर से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर है, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट चैम्बर है किसका? स्टमक का। फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टमक, चैम्बर ऑफ स्टमक, स्टमक का फर्स्ट जो चैम्बर रहेगा ह्यूमन होता है। कौन होता है? ह्यूमन। अब ये ह्यूमन क्या करता है? हेल्प करते हैं स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? देखो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टमक होता है बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ फूड वगैरह चाहते हैं, ठीक है, रखना चाहते हैं। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड जाएगी कहाँ पर स्टोर होगी? वो ह्यूमन के अंदर स्टोर होती है। एंड दैट हैज बीन क्विकली कंज्यूम्ड, जो कि बहुत ही जल्दी क्या होता है? कंज्यूम भी हो जाता है। द फूड इज ह्यूमन के अंदर सबसे पहले क्या होगा? फूड जो पार्शली डाइजेस्ट होगा एंड इज नाउ कॉल्ड द कर्ड। अब उसको जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड कहेंगे, ठीक है। पार्शली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड। ह्यूमन के अंदर फूड को क्या कहा जाता है? कर्ड कहा जाता है। दिस कर्ड इज देन ब्रॉट बैक टू द माउथ। उसके बाद जो है, ठीक है, कर्ड जो है, ठीक है, दोबारा से जो है माउथ में लेके आया जाता है। कहाँ से बताया था? आपका रेटिकुलम से होता हुआ, ठीक है। रीच्यू, दोबारा से रीच्यू होगा, ठीक है, दोबारा से रीस्वेलो होगा। इन्हें प्रोसेस कॉल्ड कर्ड च्यूइंग। अब की बार जो ये, ठीक है, क्या कहलाती है? कर्ड च्यूइंग प्रोसेस कहलाएगी भाई। द ह्यूमन हैज बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अब जो ह्यूमन के अंदर जो है ना, ठीक है, बहुत सारे जो क्या होते हैं? माइक्रोनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को कार्ड, इसके अंदर जो सेलुलोज होता है ग्रास के अंदर, क्या होता है? सेलुलोज, बताया भाई। कौन सा कार्बोहाइड खाते हैं? सेलुलोज खाते हैं, ठीक है। सेलुलोज को ईट करते हैं क्योंकि पाया जाता है हे और ग्रास के अंदर, ठीक है। भूसा है, ठीक है, ग्रास है, ठीक है। हे यहाँ पर जो भूसा कहलाता है, क्या कहलाता है? भूसा। ठीक, ग्रास तो घास है ही, ठीक है, सभी जानते हैं, ठीक है। हम चारा डालते हैं ना, ठीक है, भी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज, ठीक है। उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन करेंगे? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ करते हैं आप, ठीक है। तो डायग्राम के द्वारा, ठीक है, जो हम इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो, देखिए यहाँ पर आप ये वाला जो, ये जो माउथ है, माउथ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, इंजेशन होता है। क्या होता है? इंजेशन, ठीक है। यहाँ पर जब फूड को जो अंदर ले लिया जाता है, अब जो फूड जो सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार जो फूड जो जाता है कहाँ पर, कहाँ से जाता है, ठीक है, आप जो ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पर जो, ठीक है, मैं पेन जो चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, होता है तो एक मिनट, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक भी नहीं, ये वाला हुआ क्या? नहीं हो रहा, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से जो है, ठीक है, फूड जो होगा, ठीक है, ऐसे होता हुआ, ठीक है, आएगा यहाँ पर। सबसे पहले जो है, ठीक है, ये आता है किसके अंदर? यहाँ पर आता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके अंदर आया यहाँ पर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट क्या कहलाता है? ह्यूमन कहलाता है, कहलाता है ह्यूमन। देखो यहाँ पर जो ह्यूमन इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। फर्स्ट और जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भी होता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पूरा पूरा पार्ट जो है, ठीक है, ये कहलाता है ह्यूमन। क्या कहलाता है? ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पर जो क्या आएगा? फूड सबसे पहले यहाँ पर आता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर आता है। फिर इसके बाद जब फूड को दोबारा से जो है, ठीक है, यहाँ से होता हुआ, ठीक है, फूड जैसे यहाँ पर आया, ठीक है, वो जाएगा दोबारा से कहाँ पर जाएगा? यहाँ से होता हुआ, ठीक है, वो जाता है इधर से होता हुआ। देखो बेटा, ये इसके पीछे से आ रहा है, ठीक है, इसके पीछे से यहाँ से होता हुआ, ठीक है, इधर से आया और दोबारा से, ठीक है, जो आपका आएगा दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट का नाम क्या नाम था? रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पर आएगा भाई। अब रेटिकुलम ये क्या? सेकंड चैम्बर है स्टमक का, ठीक है। रेटिकुलम ये जो रहेगा सेकंड चैम्बर में आता है, ठीक है, यहाँ से होता हुआ फूड जाएगा सेकंड चैम्बर के अंदर। फिर यहाँ से जब, अब तो देखो ये क्या करता है, पहले तो फूड को सारे को क्या करते हैं? यहाँ से खा लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर ह्यूमन के अंदर। फिर वो जो है, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक, माइक्रोनिज्म के द्वारा यहाँ पर जो, ठीक है, उनका क्या होता है? अटैक होता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, पार्सल डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। यहीं पर क्या आपको क्या मिलेगा? कर्ड भी मिलेगा यहीं पर ही, ठीक है। जो पार्सल डाइजेस्ट फूड होता है वो कर्ड कहलाता है, ठीक है। अब ग्रास के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। रेटिकुलम सेकेंड चैम्बर है स्टमक का। फिर यहाँ से होता हुआ, ठीक है, उसको जो दोबारा से जब आवश्यकता है फूड को, ठीक है, फूड की किसको? जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल है काऊ को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा जो लम्ब्स में, ठीक है, लम्ब्स, लम्ब मतलब क्या होता है? ढेर, ठीक है, जो है, या फिर जो है बड़ा सारा जो है, ठीक है, जो डला सा, ठीक है, जो माउथ के अंदर दोबारा से लाया जाता है। यहाँ से जो दोबारा से वो आएगा, ठीक है, फूड जो है, फूड को आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो उसको दोबारा से क्या किया जाता है? रीच्यू होगा यहाँ पर, ठीक है, रीच्यू होगा, दोबारा से उसको जो चबाया जाता है, फिर से दोबारा से उसको निगल लिया जाता है। निगलने, देखो यहाँ पर क्या है? ओमेसम, ठीक है, ओमेसम क्या? थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर है स्टमक का। ओमेशम जो होता है यहाँ पर, जो थर्ड और स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, ठीक है, स्टमक का, यहाँ पर जो है उसके बाद, ठीक है, ये ओमेशम के थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फूड क्या होता है? रीच होगा, देखो आसानी से थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर वह दोबारा से कहाँ पे जाता है? दोबारा से यहाँ पर जब फोर्थ चैम्बर जो रहेगा, ठीक है, जो लास्ट चैम्बर रहेगा, ठीक है, स्टमक का, वहां पर जो है फूड जाता है। देखो यहाँ पर ये लाइन जो आपको दोबारा से
री वाली, ठीक है, दोबारा से जो दिख रही है, देखो अब की बात ये वाली लाइन, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये वाली नहीं होगी, ठीक है, ये वाली सेकंड लाइन नहीं होगी, ठीक है, जो थर्ड लाइन है नीचे की तरफ जो दिख रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो थर्ड लाइन है नीचे की तरफ हो रही है भैया, ठीक है, ये लाइन से होती हुई, ठीक है, यहाँ पर जो ये आता है, ठीक है, ये वाली जो थर्ड लाइन से होता हुआ, ठीक है, यहाँ पर जब फूड आएगा, अब यही तो क्या है लास्ट पार्ट है, ठीक है, फोर्थ पार्ट जो रहेगा, ठीक है, कौन सा फोर्थ पार्ट, ये रहता है आपका फोर्थ पार्ट एबो मेसम, ठीक है, जो ये कहलाता है, इज द लास्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, की लास्ट चैम्बर रहेगा, इसके अंदर जो फूड क्या होगा, यहाँ पर जो डाइजेस्ट होता है फाइनली, ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, आएगा तो फूड जो, अभी इन दोनों पार्ट में नहीं जाता, इनको क्या करता है बाईपास कर देता है ये, ठीक है, जो आपका र्यूमन और रेटिकुलम है, ठीक है, इन पार्ट्स में नहीं जाएगा, और ये वाली जो 2 से 3 फीट लंबी, ठीक है, ये क्या होती है, ठीक है, इसोफेगस, 2 से 3 फीट लॉन्ग जो है क्या रहेगी आपकी, इसोफेगस रहेगी, फूड पाइप रहता है, ठीक है, फूड पाइप से अब की बार जो खाना नहीं जाएगा, ठीक है, ये कहाँ से जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, ओमेशन से, ठीक है, इसका कनेक्शन होती है एबोमेशन के साथ, ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, डायग्राम हो गया हमारा, ठीक है, र्यूमन हो गया, रेटिकुलम, रेटिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है मूविंग द स्वेलोड फूड बैक टू टू द माउथ, रहता भाई सेकंड चैम्बर रहेगा, ये सेकंड चैम्बर है, ठीक है, सेकंड चैम्बर के अंदर, ठीक है, रेटिकुलम हेल्प करता है जो स्वेलोड फूड है बैक इनटू द माउथ, दोबारा से माउथ में लेके जाया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा जो है, ठीक है, जब आवश्यकता होती है, आपने देखा होगा कि जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है वो खाली समय में क्या करते हैं, तो बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, लगातार जो है च्यू करते रहते हैं, ठीक है, जुगाली करते रहते हैं, असल में वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, जो सोलिड फूड है उसको वापस लेके आते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं उसको जो है च्यू करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, माउथ फोर थ्रो च्यूइंग, रेटिकुलम ओपन्स इनटू द ओमेसम, अब जो रेटिकुलम है ये कहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है ओमेसम में क्या होता है, ओपन होता है, ओमेसम यहाँ से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सेस वाटर को, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, द एबोमेसम फिर क्या करेगा, द वॉल्स ऑफ एबोमेसम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, लास्ट जो फोर्थ पार्ट रहेगा इसके अंदर ये कहता है डाइजेस्टिव जूस जो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेस्ट करेंगे किसको, फूड को, ठीक है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्टिव करेगी, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करेगी, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन बिगिंस इन द, ठीक है, ये क्या है आपका थर्ड थर्ड पॉइंट होता है भाई, न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर इन एनिमल्स के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन को देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन बिगिंस इन द फोर चैम्बर स्टमक, एब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट होता है चार चैम्बर स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, बट द मेन एब्जॉर्प्शन जो ऑर्गन है वो क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, ज्यादातर जहाँ पर क्या होते हैं विलाई वगैरह, ठीक है, किसके अंदर होते हैं, वो विलाई तो किसके अंदर थी वही, ठीक है, और ह्यूमन के अंदर थी, क्या देख लेते हैं यहाँ पर विलाई होती है क्या, हाँ होती है, ठीक है, देख लेंगे आगे जो है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, ठीक है, हेल्पफुल रहेंगी, द फूड फ्रॉम द एबोमेसम पासिस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो फूड जो है फिर जो कहाँ से एबोमेसम से पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वेयर इट मिक्सेस विद द सिक्रेशंस फ्रॉम द पैनक्रियाज और लीवर से क्या आते हैं, कुछ जो वहाँ पर जो है सिक्रेशंस आते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करेगा, लीवर जो है, ठीक है, लीवर भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रेट करता है, जो कि क्या करेगा फूड को डाइजेशन में हेल्प करेंगे, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन है और फैट्स है टेक प्लेस हेयर, ये यहीं पर होता है, सेवरल विलाई जो होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, विलाई बताए थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे जो बहुत सी सारी, ठीक है, जो क्या होते हैं यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके अंदर क्या रहेगी, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी जो है यहाँ पर ब्लडी कैपिलरीज होती हैं, जो क्या करते हैं फूड को डाइजेशन में हेल्प एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, फूड जो डायरेक्टली जो ब्लड के अंदर जो कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करते हैं लीड करते हैं इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो मेन फंक्शन रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन का इज टू एब्जॉर्ब वाटर, कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, उसके बाद क्या करना एलिमिनेट कर देना अनडाइजेस्ट फूड एज ए फीसिस, फीसिस के रूप में जिसे हम स्टूल भी कहते हैं, ठीक है, उसके रूप में, ठीक है, क्या कर देता है जो अनडाइजेस्ट फूड उसको जो बाहर निकाल देता है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं स्टूल भी कहते हैं, ठीक है, काओ डंग या फिर जो कहलाता है, ठीक है, काओ डंग भी ये कहलाता है, ठीक है, काओ डंग भी, काओ ये इसमें काओ डंग कहलाएगा, ठीक है भाई, डंग केक वगैरह, ठीक है, बनते हैं, तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका एब्जॉर्प्शन होने के बाद इजेशन भी इसी में जो आपका हो गया, यहाँ पर ये इजेशन हो गया एलिमिनेट कंजेस्ट फूड, ठीक है, ये आपका जो प्रोसेस रहेगी इजेशन भी यहाँ पर जो हो चुका है, ठीक है, इजेशन ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, उसको भी जो बता दिया, क्योंकि अनडाइजेस्ट फूड जो बाहर निकल जाता है, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया जाता है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर ही वह होता है, ठीक है भाई, तो
अब बताइए ठीक है, एक बार फिर से जो इसको देख लेते हैं ठीक है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह ठीक है हम कल करेंगे ठीक है। की वर्ड्स नहीं करने हैं, जो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए काउस डाइजेस्ट सिस्टम, ये जो पार्ट है ठीक है आपने जो है ठीक है लेट्स रिमेम्बर देख लेते हैं। द मस्कुलर पार्ट ऑफ द माउथ हेल्प इन इंजेस्टिंग फूड, मस्कुलर पार्ट जो रहेगा माउथ का जो कि हेल्प करता है फूड को इंजेस्ट करने में, कौन सा पार्ट है भाई वो ठीक है, वो आपने ठीक है लिखना है ठीक है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर जो वीडियो में आपने बताना है ठीक है कौन सा पार्ट रहेगा वो मस्कुलर पार्ट माउथ का जो कि हेल्प करता है इंजेस्टन ऑफ फूड ठीक है भाई, ये सभी जो आप बताएंगे। उसके बाद दिस इज द लार्जेस्ट, ये आपके माउथ के अंदर होता है, माउथ के अंदर बताना भाई ठीक है कौन सा रहेगा, उस पार्ट का नाम जो आपने ठीक है बताना है माउथ के अंदर कौन सा पार्ट है वो पार्ट का नाम लिखेंगे ठीक है। इसके बाद जो लार्जेस्ट चैम्बर रहेगा स्टमक का, वेयर कड इज फॉर्म, लार्जेस्ट चैम्बर स्टमक का कौन सा होता है वो आपने यहाँ पर लिखना है ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप जो बताएंगे ठीक है। इसके बाद जो दिस चैम्बर ऑफ द स्टमक हैज टू मूव स्वेलोड फूड बैक इनटू द माउथ फॉर सोचिंग, ये चैम्बर जो स्टमक का हेल्प करता है टू मूव स्वेलोड फूड, जो स्वेलोड फूड है ठीक है बैक इनटू द माउथ, दोबारा माउथ में लेके जाता है, कौन लेके जाता है रेटिकुलम ठीक है, रेटिकुलम रहेगा यहाँ पर ठीक है। और ये तो आपने करना था ठीक है भाई, ये आपने करना था ठीक है, चलो मैंने कोई नहीं ये बता दिया। लेकिन बाकी क्या आप जो करेंगे, द चैम्बर ऑफ स्टमक एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर, वो चैम्बर स्टमक का, स्टमक के चैम्बर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात नहीं हो रही है, स्टमक के ठीक है जो चैम्बर है उसकी बात हो रही है। तो थर्ड जो चैम्बर रहेगा उसका जो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ये सेकंड चैम्बर रहेगा ठीक है, उसका नाम लिखा आपने ठीक है भाई। इसके बाद जो रहेगा द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव ट्यूब, जो वॉल्स है इस चैम्बर की ठीक है वो क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस जो सीक्रेट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर है ठीक है स्मॉल। चलो ये आप जो ठीक है लिख के बताएंगे ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा जो चैम्बर रहेगा, और ठीक है चैम्बर ऑफ द स्टमक सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। द ऑर्गन हैज सेवरल विलाई, किस ऑर्गन के अंदर जो बहुत सारी विलाई होते हैं, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फैट टेक प्लेस हियर ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर जो रहेगा आप लिखेंगे यहाँ पर ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का आंसर रहेगा ठीक है। तो आपने करना है दिस ऑर्गन हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड एज फीसिस, फीसिस के रूप में जब फूड क्या होता है जो फूड है वो बाहर निकल जाता है, कौन सा ऑर्गन रहेगा वो भी आपने जो यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ठीक है, इनका आंसर जो आपके हैं ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन ठीक है, आपने जो कमेंट सेक्शन में ये बताने हैं ठीक है, जो ये बताएगा आंसर दीज क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन उसको बेटा ठीक है, जो मार्क्स मिलने वाले अच्छे ठीक है, जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं बच्चे ठीक है मेरे को मालूम है, कमेंट सेक्शन ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में आप करेंगे ठीक है, उन्हीं को जो मार्क्स मार्क्स भी मिलेंगे भाई ठीक है, एक्स्ट्रा 5 मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे ठीक है भाई। तो कीवर्ड्स तो आपने ठीक है नहीं करने हैं, ये जो बुक के अंदर ही आपने करने हैं, सबसे पहले आप जो कमेंट करके ठीक है बता देंगे ठीक है, कल की क्लास में फिर हम जो इसको ठीक है जो कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है। आज के लिए जो केवल इतना ही ठीक है, बाकी जो हम ठीक है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हैव ए गुड डे।